पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित जाटिया हॉस्पिटल में यह वृद्ध अपनी पीठ पर लिए अपने पोते को इलाज के लिए भटक रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रही हैं। यह तस्वीरें खुर्जा के सूरजमल जाटिया हॉस्पिटल में स्टाफ ने उनकी कोई मदद नहीं की और अपने बीमार पोते को लेकर वह हॉस्पिटल में अपनी पीठ पर लादे भटकता रहा। वृद्ध खुर्जा में यह मामला पहली बार नहीं है, पूर्व में भी यह कई बार यह सब देखने को मिला है कि मरीज व उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कहने को तो ये इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो मरीज उन सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये बूढ़ा वृद्ध अपने बेटे को हॉस्पिटल में लाया तो यहाँ का बर्ताव देख उसका सरकारी हॉस्पिटल से विश्वास उठ गया और यही कारण है कि सरकारी हॉस्पिटल से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने से बचते हैं, कारण यही होता है कि उनको सरकारी हॉस्पिटलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल खड़ा होता है कि यहाँ मरीजों को सुविधा न मिलने का क्या कारण है? सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधा उपलब्ध है, कई बार लोगों को जानकारी न होने के कारण परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधा ही नहीं है लाने के लिए। स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला। दो घंटे से तो यहाँ पर हैं, कोई इलाज का ही वही नहीं है। पता 10 बजे कोई ड्यूटी टाइम है ना। और क्या क्या आपको परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? हैं? 2 घंटे से बैठा है तो कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। आम जैसे गेट में से आई थी आप, लड़के के बाबा लेके आए थे, तो क्या स्ट्रेचर था ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा, अब कंधे पे लाए हैं, 2 घंटा से बैठा है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। बताओ, गरीब आदमी के लिए ये सुविधा होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। हमें मुरुखराज बाबा, ये बताइए, आप अस्पताल में जो बच्चे को लाद कर गया यहाँ पीठ पर लेके आए हैं, तो पीठ पर लाद कर क्यों लेके आए बच्चे को? स्टेशन नहीं मिली इसकी। आपको स्टेशन नहीं मिली ना? और क्या क्या आपको यहाँ परेशानी सब दे आ रही है आपको? अभी तो कुछ ना मिल रहा है इसके लिए। मात्रा में स्टेशन भी पर्याप्त मात्रा में है और जटिया अस्पताल का किस्सा है, मैंने सीएमए साहब से पूछा तो वो कह रहे थे वो इमरजेंसी में नहीं गए, वहाँ व्हील चेयर और वो दोनों उपलब्ध है, वो तो अपने प्रेम में ही बेटे को उठाए हुए वहाँ पहुँच गए ओपीडी में। ऐसा नहीं, चीज़ें हैं वहाँ पर। नहीं नहीं, डॉक्टर तो होंगे वहीं और सीएमएस साहब तो स्वयं वहाँ पे हैं और व्हील चेयर और इसकी भी है व्यवस्था, हो सकता है उन्होंने जिससे पूछा उसे न पता हो। वो तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि भाई 2-3 जगह इसकी व्यवस्था करें, स्ट्रेचर और व्हील चेयर की, ओपीडी में भी करें और इमरजेंसी के गेट पे भी करें, जिससे इस तरह की चीज़ ना हो।